लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और क्या कुछ कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके मन में तीस उनके मन का दुख है कि समूचे छत्तीसगढ़ के आम जनता का, पूरे देश की कांग्रेस जनों का ये बहुत बड़ी पीड़ा है। ये शुरुआत कहां से हुई? 16 जून को एनआईए ने अदालत में यह एप्लीकेशन दिया कि जो एफआईआर दोबारा किया गया है माननीय जितेंद्र मुदलियार के द्वारा, उसकी जांच भी एनआईए को सौंपी जाए। किसके इशारे में एनआईए ये काम कर रहा है? कौन लोग हैं जो इसकी जांच को रोकना चाहते हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते? कितनी बड़ी हत्या हुई उसके तह तक ये सारी बातें जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। केंद्र में जिनकी सरकार है, हम लोग तो ये मान के चलते हैं एनआईए उनके इशारों पे काम करता है। आखिर उनकी मंशा क्यों है और किसको बचाने की उनकी मंशा है? सीबीआई जांच की मांग की गई विधानसभा में, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के लिए स्वीकार किया। जब केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच करने से इनकार कर दिया तो आखिर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 साल तक, फिर से कह रहा हूं, पूरे 2 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता को, पीड़ित परिवार को और कांग्रेस जन को और उससे भी ज्यादा आप सब प्रेस के मित्रों को उन्होंने ये बात क्यों छुपाई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या ये नहीं है अभी भी इस जांच को रोकने के लिए जो षड्यंत्र कर रही है उसके पीछे भी उन्हीं हाथों को हम जिक्र कर सकते हैं जिन्होंने सीबीआई जांच नहीं होने की बात को छुपाई? आदरणीय मित्रों, आप सब लोगों ने देखा होगा लगातार शहरी नेटवर्क नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई अभी सरकार बनने के बाद हमारी जारी है और जो लोग लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं वो सीधे सीधे, अभी एक ट्रैक्टर सप्लाई का मामला आया बस्तर में, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष का नाम उसमें सामने आया। आखिर नक्सलियों से साठ गांठ के सारे मामले में कोई गिरफ्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों गिरफ्तार होते हैं? ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ नक्सलियों से लगातार रही है और ये इस घटना का साक्षी है कि हमने अपने नेताओं को खोया है। एक और बहुत बड़ी बात है, जब एनआईए ने जांच शुरू की उसके पहले सारे बस्तर में लच्छन्ना रमन्ना जैसे बहुत सारे नाम जांच में आया था, लेकिन आखिर एनआईए के पहले प्रतिवेदन में उन नामों को क्यों हटाया गया? ये सारी राजनीतिक बातें हैं, इसलिए आवश्यक है हम जब चाहते हैं, एनआईए ने पहले सबमिट कर दिया कि जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी। अगर आपने कहा कि जांच रिपोर्ट पूरी हो चुकी, अदालत में आपने बयान दिया है, तो फिर से हमारे द्वारा किए गए एफआईआर को एनआईए को सौंपने के संदर्भ में आपने पत्र क्यों लिखा और उसको जांच करने के लिए एक अदले से इंस्पेक्टर की तैनाती आपने करके इस जांच को रोकने का प्रयास क्यों किया? ये सारे प्रश्न हैं, इसलिए आपके सामने इस प्रश्न को उठाते हुए हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे जो आदरणीय जितेंद्र मुदलियार जी सहित जिन लोगों ने भी एफआईआर किया है, जिन लोगों ने मांग किया है, अब इसकी एनआईए से परे जांच की आवश्यकता है ताकि सारे मुद्दे की जांच हो जाए और जिन लोगों को, जो लोग भी इसमें दोषी हैं, उन तक ये जांच की पूरी बातें चली जाए। इसलिए आज आपके सामने प्रेस के माध्यम से ये बात कहने की आवश्यकता पड़ी। इनकी तकनीकी बातों को, दिनांक वार कब कब क्या क्या पत्र जैसी बातें हुई हैं, मैं आदरणीय अकबर भाई से चाहूंगा कि आपके सामने इन बातों का, इन तथ्यों को रखे। आदरणीय अकबर भाई, सभी साथियों को मेरे नमस्कार। जो घटनाक्रम है उसको कुछ जानकारियां इसी बार आपको देना जरूरी मैं समझता हूं। जिस प्रकार से नवीन भाई रवि चौबे जी ने जानकारी दी कि अक्टूबर 2015 में एनआईए ने चार्जशीट फाइल और उन्होंने ये कहा कि जो अदालत है वो सुनवाई प्रारंभ करेगी, उनकी जांच पूरी होगी। घटनाक्रम के हिसाब से जब आप देखें तो 23/3/2016 को विपक्ष के दबाव में
तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात की घोषणा की कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए। उसके बाद 29/3/2016 को राज्य सरकार ने वीरम नरसंहार के जांच के लिए अधिसूचना सीबीआई से कराने की अधिसूचना जारी की। 13/12/2016 डीओपीटी ने राज्य सरकार को पत्र भेजा कि सीबीआई और गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया गया है कि एनआईए ने जांच पूरी कर ली है और इस मामले में आगे किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। उसके बाद 17/2/2018 सीबीआई जांच के विषय में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पत्र लेकर जानना चाहा, लिखकर, कि सीबीआई जांच के बारे में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें केंद्र सरकार का क्या फैसला है। राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ना ही डॉक्टर रमन सिंह ने 13/12/2016 को जो केंद्र सरकार की ओर से पत्र प्राप्त हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी दी। इस बीच एनआईए ने अपनी वेबसाइट में सूचना लगा दी कि वीरम नरसंहार की जांच पूरी हो चुकी है। अब 13/12/19 इलेक्शन के बाद राज्य की नई सरकार को पता चला कि वीरम मामले में सीबीआई जांच से 13/12/2016 को इनकार कर दिया गया है। 2/1/2019 को राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। बस्तर के आईजी के नेतृत्व में बनी एसआईटी, उन्होंने लिखा एनआईए को कि जांच के जो दस्तावेज है वो एसआईटी को सौंप दिया जाए। उनके अनुरोध पर एसआईटी ने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया और फिर कहने लगे कि अभी जांच बाकी है इसलिए दस्तावेज सौंपे नहीं जा सकते। आप देखिए कितनी बार कभी एनआईए की तरफ से कहा जाता है कि जांच पूरी हो गई, कभी कहा जाता है कि जांच जारी है, कभी कहा जाता है कि अभी हम और जांच करना चाहते हैं। इसके बाद 2/9/2019 हमले के समय काफिले में शामिल दौलत रोहड़ा और विवेक वाजपेयी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और मामले की जांच एसआईटी को सौंपने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट ने एनआईए और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया। 26/9/2019 राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि एनआईए से जुड़े सारे दस्तावेज राज्य में गठित एसआईटी को सौंप दिए जाएं और राज्य सरकार ने एनआईए की जांच में जो जांच जिस तरीके से एनआईए ने जांच की है उसमें 10 खामियां गिनाते हुए चिट्ठी लिखी कि किस कारण से एसआईटी गठित करना चाहते हैं और ये दस्तावेज हमको सौंपे जाए, लेकिन एनआईए की तरफ से दस्तावेज नहीं सौंपे गए। इसके बाद तो कांग्रेस ने एनआईए जांच पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और साथ ही बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला।